रविवार की सुबह ही कांग्रेस ने अपने 144 प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया है। ये जो फहरिस्त है पूरे देश प्रदेश की मीडिया में छाई हुई है, लगातार सोशल मीडिया पर समर्थकों में कहीं रोष है तो कहीं उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। मनासा से में भी नरेंद्र नाटा जो है वे इस वक्त मनासा पहुंच गए हैं, वे वहां पर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो इसके साथ ही कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो नीमच और जावद को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, खतरनाक देर रात इस जावद और नीमच को लेकर पेच फंसा हुआ है। जी हाँ, नरेंद्र नाटा की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा दिग्विजय सिंह समर्थक माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह समर्थक जो नरेंद्र नाटा है उनको टिकट दिया गया है। मंगेश संगई में भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस है, रोष है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। क्राइटेरिया की भी उन्होंने बात करी कि नरेंद्र नाटा क्राइटेरिया में सर्वे में कहीं से कहीं तक के फिक्स नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया। लेकिन नीमच में जो लगातार जो दावेदार बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, वे उमराव सिंह गुर्जर और तरुण बाहेती का नाम जो है वे तेजी से चल रहा है, बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो भानु प्रताप सिंह राठौर का जो नाम इस दौड़ में शामिल है, वे करनी सेना की वजह से शामिल है। करनी सेना परिवार ने कांग्रेस में जो है भानु प्रताप सिंह राठौर के नाम को आगे किया है। बताया है कि नीमच क्षेत्र में राजपूत जो परिवार है, राजपूत जो तबका है नीमच शहर में, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अगर कांग्रेस अगर राजपूत प्रत्याशी को अगर यहां पर चुनाव में उतारती है तो उनको फायदा होगा। जिस तरह से दिलीप सिंह परिहार 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं, जैसे खुमान सिंह शिवाजी इससे पहले भी विधायक रहे हैं और राजपूत जो विधायक है उनका दबदबा रहा है, अगर कांग्रेस अगर भानु प्रताप सिंह राठौर पर अगर अपना विश्वास जताती है तो पूरी राजपूत बिरादरी और अन्य समाजों का उनको समर्थन मिलेगा और इस तरह से समीकरण कहीं ना कहीं हाईकमान के बीच में बिठाने की बात कही गई है। इसी बीच जो बड़ी बात नजर आ रही है उमराव सिंह गुर्जर की, उमराव सिंह गुर्जर कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और नीमच विधानसभा में एक वाहिद ऐसे दावेदार हैं जो कमलनाथ समर्थक है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे भी आड़े आ रहा है। सर्वे में तरुण बाहेती जो है वे मजबूती के साथ बने हुए हैं। इस वक्त दिल्ली में दोनों ही दावेदार मजबूती से डटे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह राठौर भी इस वक्त दिल्ली में है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो समीकरण बैठ रहे हैं वे इस तरह से बैठ रहे हैं कि अगर कमलनाथ अगर समंदर पर मोहर अगर इस वक्त लगाने की बात करते हैं, समंदर पटेल पर अगर मोहर लगने की अगर बात होती है तो नीमच में उमराव सिंह गुर्जर के टिकट पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। अगर समंदर पटेल को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उमराव सिंह गुर्जर का यहाँ पर नंबर लग सकता है, क्योंकि जो कमलनाथ खेमे के जो गिरोह के जो लोग हैं कहीं ना कहीं पूरे जिले के अंदर विधानसभा सीट में किसी एक ही दावेदार को मौका मिलने जा रहा है और इस तरह के समीकरण बैठे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे को भी अगर देखा जाए तो सर्वे के अगर आधार पर भी अगर बात की जाए तो तरुण बाहेती और उमराव सिंह गुर्जर ये दो ऐसे नाम है जो लगातार सर्वे में बने हुए है, जमीन पर बने हुए है और रिपोर्ट में बने हुए है। जावद के अंदर समंदर पटेल और राजकुमार रहीम दोनों ही प्रत्याशी इस वक्त दिल्ली में बताए जा रहे हैं। हाईकमान के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। समंदर का जो विरोध है अंदर थाने, समंदर पटेल का जो विरोध है वे लगातार बना हुआ है। समंदर पटेल और राजकुमार अहीर को लेकर देर रात भी पेच फंसा रहा। इस बात पर जो हाईकमान है वे इसी पशुपेश में रहा कि आखिर किस पर मंथन लगाया जाए और किस पर नहीं लगाया जाए। इसी बीच एक बड़े सर्वे की जो बात है वे इस बात पे भी मोहर लगती हुई दिख रही है कि AICC एक आखिरी सर्वे इन 3 दिनों के भीतर करने जा रहा है और नीमच और मनासा में 19 तारीख यानी 20 तारीख से पहले पहले अपनी दूसरी सूची को जारी करेगा, जिसमें दूसरी सूची जब ये जारी होगी तो उसमें नीमच और जावद के दावेदार भी शामिल रहेंगे। देखने वाली ये बात है कि अगर जावद में या नीमच में उमराव कमलनाथ जो समर्थक है किसी एक ही उम्मीदवार का दावेदार के नामों का चयन होगा और दिग्विजय सिंह समर्थक चाहे वे सर्वे के आधार पर हो चाहे उनके समर्थक हो उनका नाम इस लिस्ट में आ सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।